नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरु जी में। और दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज फिर से एक बार रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2018 के बारे में, जिसका सीए नंबर 01/2018 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आईआरबी गोरखपुर के बारे में। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है एलपी छात्रों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एलपी छात्र जो भी थे जिनका ज्वाइनिंग हो चुका था, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा वैकेंसी जो आपकी है वो डिग्रीज की कर दी गई थी और आपको डिग्रीज वैकेंसी की नोटिस जारी की गई थी, जिससे काफ़ी छात्र परेशान हो चुके थे, क्योंकि एक बार उनका प्री मेंस और सब कुछ निकलने के बाद यहाँ पर अगर वैकेंसी डिग्रीज होती है तो काफ़ी कैंडिडेट को परेशानी होती है। फिर कैंडिडेट की परेशानी होना जायज़ भी है, क्योंकि उनको एक टाइम वेस्ट होता है और फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एलपी छात्रों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है अदर जोन्स में, वहाँ पर मर्ज किया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो उनको ज्वाइनिंग में और ट्रेनिंग में, और वहाँ पर उनको ज्वाइनिंग ट्रेनिंग आराम से मिल सकती है, कोई दिक्कत की बात वहाँ पर नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों किया गया आपको पता है, वैकेंसी गलत यहाँ पर आपकी नोटिस में पब्लिश कर दिया गया था, लेकिन अब जब कैंडिडेट यहाँ पर बुला लिए गए हैं, सब कुछ उनका हो चुका है, डिग्री मेडिकल हर चीज़ कम्प्लीट हो चुका है, तो आखिर कैंडिडेट की यहाँ पर मेहनत रंग लाई है और इनको फिर से ट्रांसफ़र करके अदर जोन में मर्ज कर दिया गया है और उनकी ज्वाइनिंग वहीं पर की जाएगी। तो वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनकी लिस्ट में नाम आ चुके हैं, उसको हम आपको दिखा देंगे। दो आपके जोन हैं, आपका वेस्टर्न रेलवे, इसके अलावा नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे है, जहाँ पर कैंडिडेट को भेजा जा रहा है। अब ये हम देखते हैं गोरखपुर का ये ऑफिशियल नोटिस जो आप जारी किया गया है गोरखपुर के द्वारा, और देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से कौन सी नोटिस है जो जारी की गई है सभी कैंडिडेट के लिए, और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं दोनों जोनों में, उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो हमारे चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको हमेशा केवल और केवल ऑथेंटिकेट एंड ऑफिशियल नोटिस ही मिलेंगे। कोई भी फेक नोटिस जारी होती है तो उसका पूरा सूचना आपको दिया जाएगा, फेक नोटिस को यहाँ पर वायरल करने का काम बिल्कुल नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान देना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आपके सामने ओपन करते हैं पहले नोटिस और देखते हैं कितने कैंडिडेट वहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये आपका देखिए पहला नोटिस है पूर्वोत्तर रेलवे कार्यालय महाप्रबंधक कार्विक गोरखपुर, और देखिए दिनांक आपका पड़ा हुआ है 29/6/2020, और चेयरमैन आरआरसी पश्चिम रेलवे मुख्य कार्यालय यहाँ आपका भेजा गया है, मतलब पश्चिम रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे को आपका सेंड किया जा रहा है। पूरा ये आपको बनाया गया है फॉर्मेट, और इसमें कितने कैंडिडेट हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं, देखिए यहाँ पर पश्चिम रेलवे के लिए भेजा गया है जिनका नाम ज्वाइनिंग के लिए, देखिए मैं विषय मेंशन कर रखा है आपका, ये आपका मुंबई है, पश्चिम रेलवे मुंबई एलपी लेवल 2 पे ₹19,900 यानी 19,900 रुपये में रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का डोजियर भेजने के संबंध में। आपका देखिए संदर्भ 3 आपका दिया हुआ है, आपका पद संख्या वहाँ पे मेंशन है, रेलवे बोर्ड का पद संख्या, इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर का पत्र संख्या, आरआरबी गोरखपुर एलपी आपका 01/2018 सीए नंबर है, दिनांक 18/6/2020। अब देखिए नीचे यहाँ पर क्या कहा गया है आप इन सभी कैंडिडेट के बारे में, विषयांकित मामले पर कृपया अपने संदर्भित पत्र दिनांक 22/6/2020 को संबद्ध करें, जिसके द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर द्वारा एलपी लेवल 2 में चयनित कुल 1239 छात्र हैं, जिसमें आपके अनारक्षित 721, अन्य पिछड़ा वर्ग 213, अनुसूचित जाति 177 है 173, और अनुसूचित जनजाति यहाँ पर 128 की मांग की गई है, जिसके अनुपालन में निम्न 479 अभ्यर्थियों का पैनल यहाँ पे डोजियर सही भेजा जा रहा है, जिसकी हस्ताक्षर सूची 12 पेज में संलग्न है। देखिए आप सभी कैंडिडेट के यहाँ पे नंबर मेंशन किए गए हैं, कितने कैंडिडेट हैं, टोटल यहाँ पे 479 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं जिनको भेजा जा रहा है मुंबई वेस्टर्न रेलवे में, वहीं पर उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। और देखिए यहाँ पर संलग्न क्या है, रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर का पत्र दिनांक आपका 18/6/2020 है, और 479 अभ्यर्थियों का मूल डोजियर मेडिकल सहित यहाँ पे पूरा आपका फाइल है, पूरा आपका वो कंप्लीट किया गया है। यहाँ पर देखिए ये आपका लिस्ट है, सीरियल नंबर आपका लिखा है 517 से है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, इसके अलावा नाम है, फिर फादर नेम है, सब यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपकी कैटेगरी क्या है,
और कितनी कैटेगरी में आपने फाइट कर रखा है और कितना आपका मेरिट लिस्ट में नाम है कौन से नंबर पर, वो भी मेंशन किया गया है। और वेस्टर्न रेलवे अलॉट किया गया है, देखिए अलॉटेड आपका जो रेलवे है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। सभी जो उच्च अधिकारी है देखिए वहाँ पर उनकी साइन की गई है, सील लगाई गई है आपका पूर्वोत्तर रेलवे का। तो यहाँ पर आप देखिए मैं पूरा आपको लिस्ट दिखा दूंगा कौन कौन से कैंडिडेट हैं, सभी लोग का रोल नंबर यहाँ पर मैच करवा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करवा लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका वेस्टर्न रेलवे में सिलेक्शन हो चुका है तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सभी कैंडिडेट का पूरा लिस्ट अपडेट हो चुका है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, सभी लोग अपना रोल नंबर यहाँ पर मैच करवा लीजिएगा जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये आपका ऑफिशियल नोटिस जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लगने वाले हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ आप सभी को, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे और डाउट दूर कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कोई आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा सभी के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चाहे आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि ज्वाइनिंग और जो आपका ट्रेनिंग रुका हुआ था वो सब आपका शुरू होने वाला है, उसका भी ऑफिशियल नोटिस जो जारी हुआ है उसको भी आपको दिखा देता हूँ मैं ताकि कोई आपके दिमाग में डाउट ना रहे ट्रेनिंग से संबंधित, अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो आपको पहला लिस्ट हो गया जिनका आपका सिलेक्शन हुआ है वेस्टर्न रेलवे में, अब देखते हैं अगली लिस्ट जो कि जारी की गई है गोरखपुर के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये आपकी सेकंड लिस्ट है, देखिए पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से कार्यालय महाप्रबंधक गोरखपुर कार्मिक विभाग, दिनांक आपका 26/6/2020 को आपका यह जारी किया गया है। विषय क्या है, LP लेवल 2 पे ₹19,900 में रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का डोजियर भेजने के संबंध में। दोस्तों ये डोजियर आपका कहाँ भेजा जाएगा, यानी ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी लिस्ट कहाँ पर भेजी गई है, कहाँ पर उनका ज्वाइनिंग होगा वो देख लीजिए। आपका सेवा में है मुकादि प्रशासन पूर्व सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी, जी हाँ फ्रेंड्स ये गुवाहाटी में भेजा गया है, जो कि आपका NFR की बात करते हैं तो नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे में आपका ये सेंड किया गया है। संदर्भ आपको पता होगा, पद संख्या आपका होगा, रेलवे बोर्ड भर्ती का होगा, इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर का है। कितने कैंडिडेट यहाँ पर देखिए हैं, तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र 68 कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है इसमें और इनको भेजा गया है NFR गुवाहाटी में। और देखिए यहाँ पर सामान्य के नील हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग नील है, अनुसूचित जाति के 51 यानी 51 हैं, अनुसूचित जनजाति के केवल 17 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर देखिए वही सब चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी मेंशन की गई हैं। और रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर का पत्र दिनांक 18/6/2020 का है, 68 अभ्यर्थियों का मूल डोजियर मेडिकल सहित यहाँ पर भेजा गया है NFR को गुवाहाटी को। और देखिए यहाँ पर भी लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा लिस्ट आपका अपडेट किया गया है। सूचनार्थ प्रेषित की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर पूरा साफ साफ मेंशन कर रखा है, किसी भी कैंडिडेट के दिमाग में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। आपकी ट्रेनिंग आपकी ज्वाइनिंग 15 जुलाई से पूरे देश में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर्स आपके ओपन किए जाएंगे, उसके बाद ही आपके ज्वाइनिंग के बारे में कोई भी जो नोटिस होगी वो जारी की जाएगी आपके डिवीज़न के द्वारा। अब देखिए प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी पूर्व सीमांत रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, और प्रमुख कार्यकारी जो निदेशक भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड है नई दिल्ली वहाँ तक आपका ये भेजा गया है, अब उसी के थ्रू आपका ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीट किया जाएगा। ये कैंडिडेट है जिनका सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका रोल नंबर, इसके अलावा फादर नेम और उनका कम्युनिटी क्या है, जेंडर क्या है, सब देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जो आपको अलॉटेड रेलवे है वो आपका NFR है, जो यहाँ पे दोस्तों ऑफिसर हैं पूर्वोत्तर रेलवे के, देखिए वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उनका साइन भी है, सील भी लगी हुई है। तो ये सभी ने आपका प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया है और ये भेज दिया गया है NFR के पास, वहाँ से अपडेट उनको जैसे ही मिलेगा तो ऑफिशियल वेबसाइट आप बराबर चेक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ऑफिशियल सूचना हमेशा पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपका नोटिस था गोरखपुर की तरफ से, दोनों नोटिस मैंने आपको दिखा दिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हैं, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, या फिर टेलीग्राम में आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ही सर्च कर लीजिएगा टेक में गुरु जी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हमेशा नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। इसके अलावा डेली सुबह सुबह आपको मॉर्निंग में सभी न्यूज़पेपर्स वहाँ पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं जो आपको ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है ट्रेनिंग संबंधित, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये आपका देखिए गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA की तरफ से आपका आया हुआ है, आपका ऑर्डर है और 30/5/2020 देखिए आपका नोटिस का आपका डेट है जो का इशू किया गया था। और देखिए इसमें क्या अपडेट किया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके जो स्कूल कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, विल रिमेन क्लोज टिल 31 जुलाई तक रहेगा। आपकी जो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग सेल कंटिन्यू टू बी परमिटेड एंड सेल बी इनकरेज्ड। जबकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होती हैं, वो आपके चालू हो सकते हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी आप क्लास लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हों, विल बी अलाउड टू फंक्शन फ्रॉम 15 जुलाई 2020, फॉर विच स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विल बी इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। जबकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो आपका डिसाइड करेगा कैसे उसको ट्रेनिंग करवाना है, क्या प्रोसेस होगी, वो उसी के अकॉर्डिंग आपका फॉलो किया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और ट्रेनिंग जो आपके इंस्टीट्यूट है वो 15 जुलाई से ओपन कर दिए जाएंगे। यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया हुआ है या फिर ज्वाइनिंग हो चुका था, ट्रेनिंग बीच में रुकी हुई थी, तो उनकी भी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी सभी कैंडिडेट्स के लिए, बहुत जल्द आपकी ज्वाइनिंग अपडेट्स आने वाली हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिएगा वीडियो को, जहाँ जहाँ शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास। फिर मिलते हैं नई खुशखबरी नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।